कितने बड़े बड़े भैंस है ना, जिनको दे सकते थे वो रोटी। आज हम लोग जा रहे हैं किसी काम से जीरकपुर, इसलिए हम सारे रेडी हुए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और सुबह शायद 10 बज गए, नहीं 11:30 बज गए हैं गाइस। हम लोग जा रहे हैं जीरकपुर शुभम के किसी जिससे मिलना है, जिस क्लाइंट से मिलना है, उसने हमें वैसे ही 12 बजे का टाइम दिया इसलिए। हाँ, तो आज संडे है, छुट्टी है, इसलिए हम थोड़ा बहुत बाहर घूम भी लेंगे और काम भी कर लेंगे। काम क्या सही है ना, व्लॉगिंग वाला काम मेरा अच्छा है, घूमो भी काम भी करो और इनका भी ऐसे अच्छा। कुल्लू जल्दी बाहर, हम लोग तो रेडी है। कुल्लू को 10 मिनट से आवाज दे रही हूँ, देखो पता नहीं क्या रेडी होता रहता है, क्या रेडी होता रहता है। जब लड़का ज्यादा शीशा देखने लग जाए, अपने बालों को सेट करने लग जाए, मतलब उसकी शादी करा दो। 500-600 बार शीशा देख चुका है, बाल सेट करवाए ना, इधर की जगह पे खड़ा होता है सुबह से 500 बार, ये जब भी क्रॉस करके जाता है वॉशरूम जाएगा या रूम जाएगा। भाई सबसे ज्यादा तुम लोग देखते हो, सबसे कम देखते। मैं नहीं देखती, ड्रायर इसलिए मारता हूँ क्योंकि बाल बहुत घने हैं, वो संभाले नहीं जाते इसलिए। हमारे बीच एक इंसान है जो सबसे जल्दी रेडी होता है 5 मिनट में, ना कोई शीशा देखता है, एक बार देख लेता है तू भी शीशा, है ना। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं। तो गाइस कुल्लू ने देखो अपना छोटू सा बैग उठा लिया है, वैसे ये मेरा बैग है, आज ये दीदी के पास आ रहा है। मैंने लिया था बैग, फिर वो तूने लिया, फिर मुझसे शुभम ने लिया, अब तूने उससे वापस ले लिया। शुभम, इस बैग की रोटेशन कैसी चली हुई है? तेरी डाटा केबल का है, तू लेगी थी कल अंदर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। डाटा केबल है तो है तुम्हारी गाड़ी में, वो खराब हो गई, तू अपने वाली लेके गई थी अंदर? मुझे नहीं पता मैं लेकर गई थी कि नहीं, ले आओ ना फिर जाओ। कहाँ पे होनी? चार्जर के पास ही होगी अंदर गई। तो गाइस चंडीगढ़ में भी काफी ज्यादा ठंड हो गई है, आज तो धूप निकली है, ये देखो मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ दिनों से बादल था ना भाई, इतनी ठंड लगती थी। लेकिन हमारे घर जितनी नहीं है, मम्मी पापा का फोन आया था ना, बोल रहे थे जब तुम लास्ट टाइम आए थे ना वो तो कुछ नहीं थी ठंड, अब वह बोलते जो हो गई है ना। और अभी हम लोहड़ी के टाइम घर जाएंगे, इस बार अंकित नहीं जा रहा, अंकित ने तो पहले ही बोल दिया, कान पकड़ लिया। अंकित जा रहा है, अंकित फ्रॉम दड़वा। हाँ, इस बार हमारे साथ अंकित पवार भी जाएगा। तो जो अंकित है ना शुभम का भाई, वो बोल रहा है कि मैं गर्मियों में ही जाऊंगा, जब भी जाऊंगा, और बोलता सर आए कि कुल्लू की शादी में ही जाऊंगा। यार ये शादी मत बोला कर भाई, अभी 3-4 साल है, बहुत है शादी। नहीं मैं मेरे से लिख के ले कुल्लू, अगर तेरी 1 या 1.5 साल में शादी नहीं, मैं ये मत डालियो, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कसम से। आज शुभम नहीं चला रहा है गाड़ी, आज कुल्लू चला रहा है। बट क्यों, तुम क्यों नहीं चला रहे? तो ये पीछे बैठे बैठे काम करे ना, तेरे को लोकेशन दे, कुल्लू फ्री है तो कुल्लू आज गाड़ी चला रहा है। गाइस ड्राइवर का गेम चेंज हो गया, अब शुभम चला रहा है गाड़ी और कुल्लू बैठ रहा है पीछे। अब क्या हुआ, अब क्यों चेंज हुआ फिर से? मेरा काम हो गया, जो मैंने काम करना था वो अभी 3:30 बजे होगा, किसी की मैंने ज्वाइनिंग करवानी थी बट अभी उनकी जीमेल आईडी नहीं मिली बनी हुई, तो वो 3:30 कुछ तो इसको ही चलाना रहता है, ये भी चला रहता है, तो मेरे को रास्ता पता है ना, फिर उसको बताना पड़ेगा ऐसे। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े भैंस है ना, जिनको दे सकते थे रोटी। सबने पहना आज काला, ओ माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस, कुल्लू ने भी काला पहना है और गाड़ी भी काली है, मैंने भी काला पहना है, मैंने भी काला पहना है और गाड़ी भी काली है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं सुन ना, काली गड्डी ते काली लाड़ी। लोकेशन नाइस, इधर हो गए मैं दोनों। तो गाइस मौसम देखो फिर से लोकेशन बादल आने लग गए भाई, आज फिर से ठंड हो जाएगी शुभम, फिर से बादल आ चुके हैं, तो तुम्हारी हालत फिर से खराब होने वाली है। जाऊंगा, मेरे को पता लग गया, 6 दिन रहो, 7 दिन रहो, जैकेट एक ही पहननी है। देखा मैंने बोला था ना पिछली बार भी जब जा रहे थे, मैंने बोला था मत शुभम वहाँ पे चेंज करने का, मन ही नहीं करता है। मन की भी बात नहीं, फिर अपना हाँ देख कौन है, घर वाले ही तो है हमने सामने, ऐसे जाने की यही होता है वहाँ पे, यही होता है। मैं तो ब्लेजर भी ले गया था, मिट्टी जीजू ने मेरा पोपट बनाया, बोलते ब्लेजर लेके जाओ। गाइस जीजू ने इसको क्या बोला कि जब तू पहली बार अपने ससुराल जाएगा ना यार, ऐसे मत लग जाइयो, ब्लेजर पहन के जाइयो, ये सीरियस हो गया, ब्लेजर ही पहन के जाइयो। घर को लेकर गया कि वहाँ पे पहनूंगा, वहाँ पे इसके खिल्ली उड़ गई। जब शादी ब्याह होते हैं, पार्टीज होती है, तब तो पहनते हैं, लेकिन ऐसे कौन पहनता है वहाँ गाँव में? ब्याह मीन्स शादी। गाइस हम जीरकपुर पहुँच गए और जीरकपुर में एंटर करते ही यहाँ की जो सबसे गंदी बात है वो शुरू हो चुका है, वो है ट्रैफिक। दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक जीरकपुर। ओ यार यहाँ पे बहुत चढ़ी रहती है, जब भी यहाँ पे आओ यहाँ पे इतना ही ट्रैफिक मिलेगा हमेशा। ऊपर से हॉर्न तो ऐसे बजा रहे हैं कि भाई उड़ा थोड़ी ले गए। और ऊपर से फ्लाईओवर पे इतना ट्रैफिक है, नीचे कितना होगा। अरे रुक जाओ लाला। गाइस आगे देखो, जीरकपुर का ट्रैफिक फेमस हो रहा है, ब्लॉग कर रहे हैं।
नहीं नहीं न्यूज़ आएगी, न्यूज़ ऐसे होगा तो बंद कैमरा मैन आएगी, नहीं वो देखना न्यूज़ है यार ये। अच्छा एक्सीडेंट हुआ यार यहाँ कहाँ साइड में कैसे? अच्छा अच्छा गाइस ये एक्सीडेंट का बन रहा है यार, ओह गॉड एक्सीडेंट का वो न्यूज़ बन रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तभी इतना ट्रैफिक है। तो गाइस हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन में जीरकपुर में जहां हमें काम है, यहां जाना है अंदर। कितनी देर चलेगी तुम्हारी मीटिंग? तो मैं अंदर आऊं या फिर बाहर ही वेट करूं? चल ले अंदर। ऊपर जाना है? अच्छा यहां नहीं है, ऊपर जाना है। चलो जल्दी करना है अपना काम यार। तो गाइस हम लोग जीरकपुर से हो गया फ्री, शुभम और कुल्लू का काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं इनके ऑफिस। थोड़ी देर ऑफिस जाएंगे और उसके बाद लंच करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मूवी टाइम। हम इतनी मूवी में मनी वेस्ट नहीं करते, भाई कूपन भी मिलते हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की गलती है जो अच्छी अच्छी मूवीज लेके आते हैं, लेकिन हमें मूवी कभी कभी फ्री में भी मिलती है। इनके जो दोनों के क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें हमें महीने में दो टिकट्स मिलते हैं, तो इसलिए हम इतनी मूवीज देखते हैं, क्योंकि हम वो कार्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं तो बैंक वाले हमें रिवॉर्ड देते हैं। दैट्स व्हाई हम इतनी ज्यादा मूवी देखते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी शुभम के ऑफिस और अब हमें बहुत भूख लग रही है, तो हम घर से ही लंच लेकर आए हैं, तो बस अब लंच करने लगे हैं। हाउस इट? बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड। गाइस हम निकल चुके हैं शुभम के ऑफिस से, अब जा रहे हैं मूवी के लिए। मेरी एक और फ्रेंड आ रही है साथ में, उसको लेने जा रहे हैं। तो गाइस हमने जाना है मूवी देखने यहाँ से, बट ये रोड पूरा खराब हो गया है, अब हमें बहुत दूर पड़ेगा। दूर तो नहीं बट यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि ये वाला रोड बंद है ना, थोड़ा सा दूर। हुआ क्यों ये बंद यार? यहाँ पे कुछ पाइप और ये हमेशा ही चलता रहता है यहाँ पे, है ना? मैंने देखा है हमेशा ही चलता है। तो गाइस मेरी फ्रेंड आ चुकी है प्रिया, ये भी हमारे साथ मूवी देखने के लिए जा रही है। प्रिया का रिमांड हो चुका है। प्रिया मेरी पिछली बार एक बात का बुरा मान गई थी, तो मैं इसका रिमांड ले रही थी। इतनी बुरे तरीके से हुआ है रोड खराब और इसकी वजह से देखो कितना ट्रैफिक लग रहा है, पूरा रास्ता बंद है। देखो गाइस कितना ट्रैफिक लगा हुआ है पीछे। गाइस ब्लैक वाले चार हो गए हम। सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि हमने तीनों ने ब्लैक पहना है और अब चार हो गए। कैसी लग रही मूवी? ऐसा लग रहा है खत्म ही ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है आधा घंटा ही हुआ, मैं बोलती इंटरवल आ गया। गाइस इंटरवल आ चुका है, पूछते हैं कुल्लू का रिएक्शन कैसा लगा। भाई देर है मूवी है, मतलब कि KGF छोड़ दो, RRR छोड़ दो, सही में यार ऐसा लग रहा है भाई, मतलब मजा आ रहा है भाई, मतलब जैसे चल रही है ना मूवी स्टार्टिंग के, ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के एक मिनट से ऐसा लग रहा है खत्म ही ना मूवी। कैसी लग रही है मूवी? इतनी हर कुछ है ना मूवी यार, बहुत बढ़िया। KGF से बहुत अच्छी मूवी है। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, काफी ज्यादा हम थक भी गए थे, तो अभी निकले हैं बस थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। हम लोग आ चुके हैं मार्केट से सामान लेके, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो कर्टन वाला डंडा है ना वो कैसे करके गाड़ी में लेकर आए हैं। आज मैंने ले दिया है अपने फाइनली कर्टन से, लाइट वाली परेशान कर रही थी सामने रूम के लिए। गाइस ये देखो कहाँ से निकाला हो सनरूफ, ये देखो ये शॉप वाले ने आइडिया बताया कि आप ऐसे करके लेकर आए, तो हम पूरे मार्केट में ऐसे करके घूम रहे थे। हाउ फनी, कैसे था पूरा डंडा हुआ। ये ना कुल्लू का रूम है और ये वाली लाइट इसको बहुत परेशान करती थी कुछ दिनों से, तो इसलिए फाइनली आज हम ये डंडा लेकर आ गए। ये ना भी कट भी करना पड़ेगा yes. तो इसके लिए ब्लेड लेकर आए हो? ब्लेड पीछे ब्लेड से कटेगी यहाँ, तभी लगाएंगे कुल्लू के कर्टन्स। तो गाइस पाइप बहुत ज्यादा लंबी आ चुकी है, डबल आ गई, हम डबल ले आए। अरे उन्होंने बोला ना इससे छोटा है ही नहीं, ठीक है वैसे है ना, इधर को हमारे को ये तो चाहिए, हाँ उधर को एक्स्ट्रा रख दिए, इधर को ठीक लग रहा है, जरूरत आएगी तो निकाल, पूरा दिक्कत है उधर, उधर तो वैसे भी यूज ही नहीं है उसका, कोई दिक्कत नहीं उधर को, तो उसका कोई यूज नहीं, उधर को जितना मर्जी बड़ा हो जाए। हाँ इसको फाड़ दे पैकेट को, फिर इसमें कर्टन लगा दे, कर्टन निकालो। तो गाइज ये कर्टन मैं लेकर आई हूँ अपने घर से, मुझे ये वाले कर्टन बहुत पसंद थे, तो जब मैं इस बार घर गई थी ये मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। तो गाइज कर्टन लग चुके हैं और साथ में ये भी लग चुके हैं लट्टू से। अब गुलू तुझे कोई रोशनी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, इसको तो निकाल लेंगे ना ये अंदर वाला।
तो गाइस हम लगे हैं डिनर करने और आज डिनर में है राजमा राइस और साथ में हम देखने वाले हैं हमारा पागल दीवाने। बस तब तक जब तक खाना खा रहे हैं। हाँ तभी तक बाकी फिर आगे सारे सो जाते हैं। सही है और मैं अब खाने वाली हूँ गाजर का हलवा। ये गलत बात है। मैं रज गया। गाइस आज है डेजर्ट में गाजर का हलवा। कुल्लू को पता ही नहीं था, कुल्लू ने इतना पेट भर के खाना खा लिया है, बोल रहा मैं तो एक भी चम्मच नहीं खा पाऊंगा गाजर के हलवे का। ये लो भाई तुम भी खा लो, तुम क्यों पीछे रह रहे हो? रू तक पहुंचा ये, रू तक। बाकी कहां तक पहुंचा? जो राजमा राइस था वो कहां तक पहुंचा? वो दिल तक पहुंचा। सही में यार बहुत टेस्टी। तो इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।